नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है ट्रूथ ऑफ लाइफ जीवन का सत्य में एस्ट्रो विनीता के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन एक स्थिर लगन है और जलीय राशि है, जल तत्व है वृश्चिक लगन। और वृश्चिक लगन का जो चिन्ह होता है, अगर आपने कभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, तो बिच्छू है, स्कॉर्पियो है। और कहते हैं अगर इनको कहीं भी छेड़ दो तो ये पलट के वार जरूर करते हैं। अगर आप इनको धोखा देते हैं, इनके लिए परेशानी पैदा करते हैं, तो जिन भी लोगों का वृश्चिक लगन है वो आप पे पलट के वार जरूर करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये मंगल से बहुत हद तक, मंगल देव की राशि है जो वृश्चिक राशि है और बहुत ज्यादा प्रभावित है मंगल देव की राशि से। मंगल देव की राशि होने का मतलब है कि मान के चलिए कि बहुत ज्यादा साहसी होंगे, पराक्रमी होंगे, निडर होंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले होंगे और ऊर्जा से भरपूर होंगे। क्योंकि हम कुंडली में मंगल देव की जब भी बात करते हैं, नौ ग्रहों में सेनापति की उपाधि है मंगल देव को। और मान के चलिए कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी सिटी हो, कोई भी छोटी सी भी जगह क्यों ना हो, अगर वहां के सेनापति ही बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि राजा के बाद जब सारे देश का संचालन जो सेना का होता है वो सेनापति के हाथ में ही होता है, अगर सेनापति बहुत स्ट्रांग है तो मान के चलिए कभी भी कोई दूसरा देश, दूसरा राज्य उस राज्य या देश पे आक्रमण नहीं कर सकता। और अगर आक्रमण कर भी दे तो उसकी विजय संभव नहीं होती। तो उसी प्रकार नौ ग्रहों में सेनापति है मंगल देव। स्वभाव में थोड़ा सा क्रोधी होना जायज है क्योंकि इनकी राशि है, तो क्रोधी स्वभाव में होंगे, पर बहुत ज्यादा मेहनती, परिश्रमी, हार्डवर्किंग, निडर, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी अवस्था में ये लोग नहीं डरते। थोड़े से हट्टी होते हैं, जिद्दी होते हैं। अगर कोई बात सोच ले हमें करनी है तो जब तक उसको कर नहीं लेते रुकते नहीं है। मेन बात, बहुत स्पष्टवादी होते हैं, जो बात करेंगे मुंह पे करेंगे, साफ सुथरी करेंगे, बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं। देखिए, काल पुरुष की कुंडली में जो वृश्चिक राशि है वो अष्टम भाव पे है, और हमारा जो अष्टम भाव है वो बाधा का भाव है, परेशानी का भाव है। तो जब हमारी कुंडली में लगन में आ जाती है ये राशि, तो मान के चलिए जीवन में जो हमें सक्सेस मिलता है, हमें जो कामयाबी मिलती है वो भी बाधा से मिलती है, परेशानियों से मिलती है। हमें उसके लिए मेहनत जरूर करनी पड़ती है, पर अंत में हम कहते हैं अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का भी लगन वृश्चिक लगन ही है। तो आपके लिए इतने में ही समझना काफी होगा कि इंसान मेहनत करता है, बहुत ज्यादा हट्टी होता है, और अपने देश के लिए जो इंसान इतना करता है, तो एक नॉर्मल व्यक्ति जो वृश्चिक लगन का है वो भी इसी प्रकार का आपको दिखने में दिखेगा। बहुत मेहनती, निडर, परिश्रमी, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला, किसी भी कंडीशन में अपने आप को किसी के भी आगे सरेंडर नहीं करते। इनमें खास विशेषता होती है, अगर इनका कभी किसी से झगड़ा हो जाए या कोई इनको धोखा दे दे तो ये जल्दी से फिर उन लोगों से दोबारा मित्रता किसी भी कंडीशन में नहीं करेंगे। बात करते हैं इनके प्रेम संबंधों की, इनकी लव लाइफ कैसी होती है। जिस तरह ये अपने जीवन में बहुत ज्यादा स्पष्टवादी और ईमानदार होते हैं, ये लोग अपनी लव लाइफ में भी बहुत ही ज्यादा स्पष्टवादी और ईमानदार होते हैं। जिससे भी रिश्ता कंटिन्यू करते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसके साथ जीवन में अच्छे से निर्वाह हो जाए। और अगर कहीं इनकी कुंडली में शुक्र अच्छा है तो अपनी पत्नी को सभी प्रकार के सुख देते हैं। जो भी एक औरत को जिंदगी में सुख चाहिए होते हैं, उसके पति से या एक पत्नी को चाहिए होते हैं, पति को चाहिए होते हैं पत्नी से, वो सभी सुख इन्हें मिलते हैं। अपने परिवार के प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं, निष्ठापूर्वक उनके लिए सभी कार्य करते हैं, सभी सुख सुविधाएं उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। बात करते हैं इनकी एजुकेशन की, टेक्निकली क्वालिफाइड होते हैं। देखिए, एक होता है नॉर्मल एजुकेशन लेना, हमने बीए कर लिया, हमने एमए कर लिया, पर वृश्चिक लगन के लोग आप कहीं ना कहीं देखेंगे टेक्निकली क्वालिफाइड होंगे। ये लोग अच्छे सर्जन होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में आप देख सकते हैं, पुलिस और सेना में भी अक्सर आपको ये लोग देखने के लिए मिलेंगे। और अगर नॉर्मल तौर पे देखा जाए, ऐसा नहीं कि जिनका वृश्चिक लगन है वो सब इन्हीं हायर पोस्ट पे होंगे, लोग अपनी होटल इंडस्ट्री भी खोल सकते हैं, लोग छोटे मोटे और भी बिजनेस जो उनकी कुंडली के अनुसार उन्हें सूट करते हैं वो काम धंधे कर सकते हैं।
जिनका भी वृश्चिक लग्न होता है, बात करें अगर उनकी हेल्थ की, उनका स्वास्थ्य कैसा रहता है, तो देखिए इम्यून सिस्टम किसी ना किसी हद तक अच्छा ही होता है, जल्दी से बीमार नहीं पड़ेंगे। पर जिनका भी वृश्चिक लग्न है, अगर उनको हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं, तो अक्सर देखने में आता है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी, ब्लड में इंफेक्शन होगा। कुंडली, काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव है, तो मान के चलिए कि कुछ ना कुछ आपकी यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी में स्टोन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, सिर में ऑलवेज दर्द की शिकायत हो सकती है, बुखार की शिकायत हो सकती है। इस तरह की समस्याएं अक्सर वृश्चिक लग्न के लोगों को देखने में आती है। जिनका वृश्चिक लग्न है या वृश्चिक राशि है, उनकी कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो उन्हें शुभ फल देते हैं या अशुभ फल देते हैं, बात करते हैं वृश्चिक लग्न में शुभता की। तो सबसे पहले मान के चलिए कि अगर आपका वृश्चिक लग्न है, तो गुरुदेव बृहस्पति जो कि आपकी कुंडली में द्वितीयेश भी है और पंचमेश भी है, आपके लिए शुभ होते हैं, आपके लिए शुभ फलदायी होते हैं। वहीं स्वयं लग्नेश मंगल देव भी शुभ फलदायी होते हैं, और बात करें तो कहीं ना कहीं चंद्रमा चंद्रदेव भी आपके लिए शुभ फलदायी होते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में भाग्येश होता है। और भाग्येश कहते हैं भाग्य हमारा जब साथ देता है तो सारी चीजें हमारी फेवर में चलने लगती हैं। तो चंद्रमा भी आपकी कुंडली में, चंद्रदेव भी आपकी कुंडली में शुभ फलदायी होते हैं। बात करते हैं अशुभता की, कि ऐसे कौन से प्लैनेट्स होते हैं जो हमारी कुंडली में हमें हानि पहुंचाते हैं, हमारे लिए अशुभ फलदायी होते हैं। तो उसमें बात करेंगे बुध देव की, बुध देव हमें रिजल्ट नेगेटिव देते हैं, शनि देव भी हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं, और शुक्र देव भी हमें कहीं ना कहीं परेशानी देते हैं। कहते हैं शुक्र देव वृश्चिक लग्न में पूर्ण मारक ग्रह का काम करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुंडली में सप्तमेश भी होते हैं शुक्र देव। देखिए ये है एक सामान्य सी जानकारी वृश्चिक लग्न वालों के लिए। और अगर आपका वृश्चिक लग्न है या वृश्चिक राशि और जीवन में आप परेशानियां फेस करते हुए आ रहे हैं, तो नित्य हनुमान जी की पूजा प्रारंभ कर दीजिए। हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, हनुमान जी की नित्य आरती कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हमारे जीवन में आ रहे कष्टों को वो दूर करें। प्रत्येक मंगलवार आप हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी को प्रसाद में आप लाल फूल चढ़ाइए, आप मीठा पान चढ़ा सकते हैं, बूंदी का प्रसाद चढ़ा सकते हैं, देसी घी या चमेली के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। और जो जातक मांगलिक है वो हनुमान जी को मंगलवार के दिन चोला भी चढ़ा सकते हैं। तो अगर आपका वृश्चिक लग्न है या वृश्चिक राशि है, तो ये छोटे छोटे उपाय आप अपने जीवन में कर सकते हैं, संकट मोचन से अपने संकटों को कम करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो वृश्चिक लग्न के बारे में, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय माता दी।